अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ये है कि बेसिकली व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स यू विल गिव अ वेक्टर क्वांटिटी, देन प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का हम दूसरा नाम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट रखते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज the product of two vectors results a vector quantity is called results a vector quantity is called vector product. Or dot cross product. हम इसके टू नेम्स रख सकते हैं। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, साथ में एन यूनिट वेक्टर है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेक्टर्स, एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर है। वी आर मल्टीप्लाइंग ए विद बी, दैट इज वेक्टर ए, इट इज़ अ वेक्टर बी। यू आर मल्टीप्लाइंग A with B, so you will get a vector which is perpendicular to the plane of A and B. A and B के प्लेन के perpendicular है और इसकी जो direction होगी वो upward होगी, n unit vector, ठीक है। तो ये जो है A cross B के equal होगा, that is equals to A cross B vector, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो एन यूनिट वेक्टर के अलोंग होगी, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली अ वेक्टर बी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम जो है यहाँ पर ए एंड बी, ए क्रॉस बी की बजाय हम करते हैं बी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखें ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि आपने राइट हैंड रूल यूज़ किया, ए टू बी, कर्ल योर फिंगर्स ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी, ठीक है। थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है और अपवर्ड जो है वाई एक्सिस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ए टू बी अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं, मोड़ते हैं, तो थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन शो करता है। दिस इज़ द मैकेनिज़म ऑफ राइट हैंड रूल। लेकिन अगर आप बी टू ए करते हैं तो क्लॉक वाइज करते हैं, कर्लिंग योर फिंगर फ्रॉम बी टू ए, और थंब डाउनवर्ड है, थंब क्या है, डाउनवर्ड, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है। फॉर एग्जांपल हम ये मेरे पास ए वेक्टर था, ये मेरे पास जो है बी वेक्टर था, ठीक है। अब मैं B टू A करता हूँ, दैट इज़ A, दैट इज़ B, वेक्टर B, और B टू A करते हैं तो हमारे पास जो n यूनिट वेक्टर है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये जो है नेगेटिव n आएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसको लिखेंगे B क्रॉस A को, तो इट विल बी ए बी साइन थीटा, और n के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम ये भी कह सकते हैं, ये मैंने इसके साथ ही एक्सप्लेनेशन दी है और इसकी हम एग्जांपल्स पे आ सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स।
इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म। और नाउ एग्जांपल, एग्जांपल ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एग्जांपल टॉर्क की है, ठीक है। टॉर्क की एग्जांपल है हमारे पास, टॉ इज इक्वल्स टू एल क्रॉस एफ, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू एल एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। फिर इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो है लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता है, लीनियर मोमेंटम के बारे में पता है, दैट इज़ पी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, मैं उसको वाइट कलर से लिखता हूँ, एल एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, रोटेशन का, जो रोटेशन बनेगी उसका रेडियस है, और जो पी है वो लीनियर मोमेंटम है, और एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, मेरे पास जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है और एक एक एग्जांपल कोट की है, तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसी को मज़ीद टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं, एग्जांपल के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एक वेक्टर है येलो लाइन से, ठीक है, ये एक वेक्टर है, और यहाँ पर एक बी वेक्टर है, और हम ए टू बी करते हैं, रोटेट करते हैं। सो ए टू बी अगर आप रोटेट करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, ठीक है, और दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अगर हम देखा जाए, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी के जो है प्लेन होगी, उस पर नॉर्मल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है यहाँ पर अब इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। हेयर ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड, while n unit vector shows the direction of vector a cross b, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे सेकंड पार्ट में जाते हैं, अगर B क्रॉस A है तो हमारे पास जो है इफ
बी क्रॉस ए हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो ये है ए बी, और हम फाइंड करते हैं बी टू ए, ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है। मैं पहले भी बता चुका हूँ डेफिनेशन के साथ ही, लेकिन अब मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी टू ए अगर आप क्लॉक वाइज अपनी फिंगर्स को टर्न करते हैं, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम बी टू ए तो थंब इज़ डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि वैसे तो हमारे पास जो डायरेक्शन है इन दोनों की वो इस एक्स, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस में है, ठीक है। और अपवर्ड अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं तो अपवर्ड, और क्लॉकवाइज कहते हैं तो डाउनवर्ड। तो हम अब बी टू ए कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है माइनस एन यूनिट वेक्टर आएगा जो कि डाउनवर्ड है। तो सो बी क्रॉस ए इज़ इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर वन कह रहा हूँ, और इसको अब देखें कि मैं माइनस को शुरू में लिख देता हूँ ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, इट्स अ बी क्रॉस ए, ठीक है। अब ये जो माइनस है आई विल मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बी क्रॉस ए, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो इट्स अ ए बी साइन थीटा, और साथ में आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर, इट्स अ इक्वेशन नंबर टू। सो कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयर वन एंड टू, सो यू विल गेट ए बी ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। इससे क्या चीज़ साबित होती है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बट इट्स मीन के वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉमोटेटिव। मैं अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आता हूँ, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कमोटेटिव। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ये होगी, क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative, ठीक है। so a cross b is equals to, सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अगर ये इक्वल होते तो फिर कॉमोटेटिव होता। कॉमोटेटिव ये होता है टू टू मल्टीप्लाई फोर एट, फोर मल्टीप्लाई टू एट, लेकिन ए क्रॉस बी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और बी क्रॉस ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वैक्टर इक्वल नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड इनकी सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो दूसरी इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, लाइक पैरेलल वेक्टर्स
या अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर होता है. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर. ठीक है. सो इस बात का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी टू पैरेलल वेक्टर्स हैं. सो यू विल गेट ए बी साइन थीटा की जगह मेरे पास जो एंगल आएगा वो ज़ीरो आएगा या 180 आएगा. पैरेलल में दो एंगल्स होते हैं, या तो ज़ीरो होगा 0 डिग्री या मेरे पास क्या आएगा 180 डिग्री. इन दो बातों में से कोई एक एंगल आएगा और दोनों पर और एन यूनिट वेक्टर. सो साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो. तो हमारे पास जो पूरी वैल्यू होगी ये मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाएगी, साथ में डायरेक्शन है, तो इट इज़ अ नल वेक्टर. ठीक है. इसको ज़ीरो नहीं कहेंगे, इसको नल वेक्टर बोलेंगे. अच्छा जी, अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है ठीक है तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, या इन केस ऑफ, अभी हम इसी को करते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स. तो हम यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स. ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के हैं, तो आई क्रॉस आई जो होगा ठीक है क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वन साइन ज़ीरो ठीक है, और साथ में एक आ जाएगा आई क्रॉस आई है तो एक एन यूनिट वेक्टर आएगा, लेकिन ये आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और इसको भी हम नल वेक्टर कहेंगे. सो इसी तरीके से जे क्रॉस जे जो होगा वो भी नल वेक्टर होगा, ज़ीरो नहीं होगा, नल वेक्टर होगा. ठीक है. लेकिन जे डॉट जे ज़ीरो था लास्ट टॉपिक में. ठीक है. अच्छा, अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स. ठीक है. ये जो मैंने साइन ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर का साइन है. ठीक है. टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो इज, हम इसको क्या कहेंगे, टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम. ठीक है. गिव्स द मैक्सिमम रिजल्ट. Gives maximum result. ठीक है. Okay student, gives the maximum result. मैं ये बात की है, let's suppose I have two vectors and which are perpendicular to each other, A cross B. ठीक है. इन ये perpendicular हैं तो मतलब 90 degree बनाएंगे. So A B sine 90 डिग्री और n यूनिट वेक्टर आएगा. सो साइन 90 जो होता है वो 1 होता है. साइन 90 1 होता है और साइन 0 0 होता है. ठीक है. सो आई विल गेट द रिजल्ट ए बी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट वेक्टर. तो ये मैक्सिमम रिजल्ट है परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास. बट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स ठीक है, इट्स मीन के
आई, हमारे पास परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे है, ये किसके इक्वल होगा, जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा और के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा। वैसे सिंपल ये है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, आई जे और के। अब देखें, अगर फर्स्ट आई एंटी क्लॉक वाइज जो है अपवर्ड होता है, इट्स मीन पॉजिटिव होता है, तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के की इक्वल होगा, जे क्रॉस के जो होगा वो आई की इक्वल होगा, ठीक है। मतलब और लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे, आई क्रॉस जे मैं कह रहा हूँ के की इक्वल होगा, इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं, इसी तरह जे क्रॉस के आई की इक्वल होगा, थर्ड की इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह के क्रॉस आई जे की इक्वल हो जाएगा। अगर हम रिवर्स करते हैं, इट्स मीन कि जे क्रॉस आई कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो ये आई क्रॉस जे इस तरह था, लेकिन जे क्रॉस आई जो है वो डाउनवर्ड है, तो वो माइनस के की इक्वल होगा। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर वाई इज इक्वल टू के। तो देखें, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आई और जे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और के इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। जब हम आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आई टू जे, ठीक है, तो हमारे पास ऊपर थर्ड वेक्टर जो इन दो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो वो के होता है। देखिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1, जे की भी 1 और साइन 90 आएगा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर आएगा जो कि किसकी इक्वल होगा, के यूनिट वेक्टर की, क्योंकि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर के है। तो साइन 90 भी क्या होता है, 1 होता है, सब 1 हो गए, साथ में के यूनिट वेक्टर आ गया। सो इट्स मीन कि अगर दो का तीन है ना, आई जे के, तो आई जे करेंगे तो के आ जाएगा, जे के करेंगे तो आई आ जाएगा। आपने सिंपल याद करने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना है और इसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का ये प्रोडक्ट होगा। और अब जो है, अगर हम प्रीवियस पेज पे जाएं, तो ये थर्ड पॉइंट था, अब मैं फोर्थ पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है मेरे पास, सॉरी, फोर्थ पॉइंट में ये है कि अगर हम टू इक्वल वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स पहले किया था, अब इक्वल वेक्टर्स का, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स इक्वल होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो डायरेक्शन सेम होगी, इट्स मीन दे इज आर लाइक पैरेलल, थीटा एंगल जो होगा वो ज़ीरो बनेगा, एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। सो ए क्रॉस ए इक्वल हैं और ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड साइन ज़ीरो, और एंगल जो है यूनिट वेक्टर जो होगा वो इनके दरमियान में एन यूनिट वेक्टर हम लगा देते हैं। तो अब ये साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये भी एक नल वेक्टर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर, मतलब ज़ीरो मैग्नीट्यूड होगी, ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। अब फिफ्थ पॉइंट ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन
in terms of rectangular components. Rectangular components, ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ए क्रॉस बी टू वेक्टर्स हैं, सो थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ सो ताकि आपके लिए ये दोनों आ जाए. सो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर, ठीक है. और कंप्लीट इसको ड्रैग कर लिया ताकि ये पूरा टॉपिक इधर आ जाए. बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं बी एक्स आई यूनिट वेक्टर बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पी जी के यूनिट वेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, आई क्रॉस आई इक्वल वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो नल वेक्टर होता है, तो करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जे आई क्रॉस जे जो है वो एक रिजल्ट देगा. सो इसका पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इसको ओपन कैसे करना है. तो डिटर्मिनेंट का रूल हम अप्लाई करेंगे. पहले मैं इसके आंसर लिखने जा रहा हूँ. सबसे पहले देखें, थ्री वेक्टर्स बनेंगे. सबसे पहले आई वेक्टर प्लस फिर जे वेक्टर यूनिट वेक्टर, क्योंकि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, तो इसलिए मैं यूनिट वेक्टर्स लगा रहा हूँ, ठीक है. किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ क्या लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर्स लिखे जाते हैं. और यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, आई जे के, मैंने उनके ऊपर हेड डाल दिए. ओके, सबसे पहले देखें, आपने ए बी ए बी लिख देना है, ए बी माइनस ए बी, इधर भी ए बी माइनस ए बी लिख देना है, यहाँ भी ए बी माइनस ए बी लिख देना है. सेकेंडली, यहाँ पर हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो आई का तो एक्स कंपोनेंट है वो नहीं आएगा, तो वाई और जी आएंगे, फिर जी और वाई आ जाएंगे. यहाँ पर जे है तो जे का कंपोनेंट वाई है, तो हमारे पास जो है ना वो जी एक्स आएगा, ठीक है, और एक्स जी आएगा. क्लियर. इसी तरीके से यहाँ पर के है तो के का जो के किसका यूनिट वेक्टर है, z का, तो z नहीं आएगा, x y आएगा और y x आएगा. ओके, अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो बात मैंने लिखी है क्या ये ठीक लिखी है या गलत लिखी है. नाउ सी हियर, a क्रॉस b को हम ओपन करते हैं इस मेथड से. मैं यहाँ पर अलग से इसके लिए पेज ले आता हूँ ताकि फिर इसको ओपन इधर कर लूँगा. ए क्रॉस बी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर. ए के जो कंपोनेंट्स हैं, ए के कौन से कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स ए वाई ए सी, और बी के हैं बी एक्स बी वाई और बी जी. तो सबसे पहले देखें कि हम आई यूनिट वेक्टर को लिखेंगे. अब लिखेंगे तो हमारे पास जो होगा ना, ये रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो होगा वो स्किप हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप हो जाएगा. मतलब जो जिस पोजीशन पे नंबर पड़ा होगा, आई वाली आई यूनिट वेक्टर कहाँ पड़ा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट रो भी चली गई और फर्स्ट कॉलम भी स्किप हो गया. पीछे हमारे पास ये 4x4 डिटर्मिनेंट है, तो 4x4 को इस तरीके से मेजर करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड डायगनल एलिमेंट्स, ठीक है. तो मैं इसको अब समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, क्या आएगा, ए वाई बी जी माइनस
बी वाई, जैसे आप लोगों ने डिटर्मिनेट ओपन किया था। फिर मैं लिखता हूँ ए ज़ी बी वाई। देखे मैंने यहाँ पर, अगर आपको याद हो, ओहो ये देखें जी, ए बी माइनस ए बी लिखा था, वाई ज़ी ज़ी वाई। तो यहाँ देखें ए बी और इधर भी ए बी, वाई ज़ी ज़ी वाई। देखें ना, इस मैंने ऑर्डर जो है ना, बी वाई ए ज़ी भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऑर्डर सेम रखा है, ए को पहले लिखा है, बी को बाद में लिखा है। ओके, अब सेकंड के लिए, सेकंड के लिए आपने माइनस अभी लिख देना, मैं फिर समझा देता हूँ माइनस क्यों लिख रहे हैं। माइनस जे यूनिट वेक्टर, आई का लिख दिया, अब जे का देखें। ठीक है, अब जे किस पोजीशन पे है? जे पड़ा है बच्चों फर्स्ट रो में पड़ा है और सेकंड कॉलम पे पड़ा है। ठीक है, तो हम जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे। देखें ये स्किप हो गया, ओके ये स्किप हो गया। तो हम थोड़ा मैं साइड पे कर देता हूँ स्किप, ताकि आपको पता चल जाए ये क्या हुआ। मैंने इसको रो को और इस कॉलम को स्किप कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप हो गया। अब मेरे पास जो नंबर बचेंगे वो क्या है, ये नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए एक्स बी जेड माइनस, दूसरी कौन सी वैल्यू आएगी, ए ज़ी बी एक्स, ए ज़ी बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट डायगनल माइनस सेकंड डायगनल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये नंबर्स हमारे पास बचे पड़े हैं ना, ये बचे पड़े थे, इनको हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, अब देखें थर्ड मेरे पास है। अच्छा, थर्ड के लिए प्लस के यूनिट वेक्टर। तो जब हम के की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको रेज कर दूं। ठीक है, तो के की बात करेंगे तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट डायगनल माइनस सेकंड डायगनल। तो फर्स्ट डायगनल के एलिमेंट्स की वैल्यू हैं मेरे पास ए एक्स बी वाई माइनस, दूसरी वैल्यू आएगी ए वाई बी एक्स। तो यहाँ देखें, ये देखें के वाला मैंने लिखा है ए बी माइनस ए बी एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई एक्स। ठीक है, तो ये साथ में, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं सर जो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक करेक्शन कर दें, मेरे ख्याल में ये थोड़े से मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमने लिखा है, हाँ वो इसकी वजह ये थी कि मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है, तो प्लस लिखेंगे तो मेरे पास, और यहाँ पर मैंने माइनस लिखा है, तो क्यों, चूँकि आपकी बुक में यहाँ भी प्लस है, ठीक है, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने इसको माइनस क्यों लिखा है, इसलिए माइनस लिखा है चूँकि मैथ के स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पर जो पोजीशन है उसको आपने देखना है, यहाँ पे जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस वन की पावर क्या आ गई, टू, टू इवन है तो वन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस वन की पावर क्या है, माइनस वन की पावर है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वन प्लस टू ऑड आ गई, जिसकी वजह से माइनस, तो जे के साथ माइनस आता है। यहाँ पर क्या पोजीशन है, ठीक है, माइनस वन और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो माइनस वन की पावर हमारे पास आ रही है वन थ्री, तो इवन आ गई, जिसकी वजह से के साथ क्या है हमारे पास, प्लस साइन है। ठीक है, तो दैट वाज द मेन रीज़न, और ये मैंने लास्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्व किया आपके सामने, और एक और पॉइंट भी है फाइव करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ, एक लास्ट करेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिक्स पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस
product of two vectors equals to area of the parallelogram, area of parallelogram. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू वेक्टर्स हैं जी, एक इस पोजीशन पर है और एक इस पोजीशन पे है. ठीक है, अब इसका नाम मैं रख देता हूँ ओ पी, और ये ए वेक्टर है और ये ओ एन बी वेक्टर है. ठीक है, अब मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यू विल सी के हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऑल एरिया कवर्ड हो जाएगा. ठीक है, ऑल एरिया कवर्ड, और ये एरिया जो होगा अगर हम ए टू बी करते हैं तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा और ये सारा एरिया कवर हो जाएगा, क्योंकि दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एंड दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू ए. अपोजिट साइड्स इन द रेक्टेंगल आर इक्वल. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम, तो जिस वजह से हम कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये जो मेरा लेक्चर है वो समझ आया होगा. और यहाँ से हमने शुरू किया था कि टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. सो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने शुरू में लिखी, फिर साथ इसकी एग्जांपल्स कोट की. ठीक है, एग्जांपल कोट करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे गया और इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए. ये किसके इक्वल है? माइनस के इक्वल है. अगर माइनस लगाएंगे तो फिर इक्वल आएगा. ठीक है, और फिर हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की. फर्स्ट करैक्टरिस्टिक ये थी कि कॉमोटेटिव नहीं है, और सेकंड करैक्टरिस्टिक हमने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर, नॉट ज़ीरो. ठीक है, इसी तरह आई क्रॉस आई जो है वो नल वेक्टर है, नॉट ज़ीरो. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स अ मैक्सिमम रिजल्ट. ठीक है, इसी तरह i क्रॉस j k की इक्वल है. ठीक है, i क्रॉस j k की इक्वल है x में, यहाँ पे किया है सॉरी. ठीक है, i क्रॉस j जो है वो k की इक्वल है, j क्रॉस k जो है वो i की इक्वल है. आपने ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लेना है, रीज़न मैंने यहाँ पे समझाई है, लेकिन याद रखने के लिए आप ये वाला सर्कल यूज़ करेंगे. ठीक है, टू इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो नल वेक्टर होता है. और अगला जो है डिटरमिनेंट का मेथड आपको समझाया. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल.